गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 10 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। तो बेटा हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, या मैं कहूँ कोलाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, साथ के साथ उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अब हेट्रोजीनियस तो आपका सस्पेंशन भी होता है, बट उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज इंटरमीडिएट होता है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल एंड दैट ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल। तो बात करते हैं आज आपकी कोलाइडल की एक और प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है कोगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं कोगुलेशन भी शो करते हैं और प्रेसिपिटेशन भी शो करते हैं। अब आपका कोगुलेशन होता क्या है? देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है आपका वो स्टेबल होता है। कभी भी आपने देखा है कि मिल्क जो है, मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कि मिल्क जो है उसमें ऊपर तो पानी पानी रह गया और मिल्क के जो व्हाइट कलर के पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो गए, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है हमेशा ही स्टेबल होता है, दैट इज उसके पार्टिकल्स हमेशा ही मोशन शो करते हैं, कभी भी सेटल डाउन नहीं होते या फिर ऊपर नहीं आते, इकट्ठे होके ऐसे ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, मैंने बताया था कि उनके पार्टिकल जो होते हैं चार्ज पार्टिकल होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इसीलिए आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है स्टेबल होता है। अब अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई आपका कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, दैट इज अगर मैं हीमोग्लोबिन का कोलाइडल सॉल्यूशन लूँ, हीमोग्लोबिन आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज कोलाइड है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में आपका एक पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल डाल दूं या फिर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दूं तो क्या होगा? जैसे कि देखो, आपको मैंने बताया था कि हर एक सॉल्यूशन जो है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा चार्ज होते हैं, चाहे आपके पॉजिटिव हो चाहे आपके नेगेटिव हो, सारे ही एक ही चार्ज प्रेजेंट होता है, सारों पे एक ही चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में बेटा कि लाइक जैसे ये कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जांपल लिया है, कैसा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है इसमें, नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है आपका ये। तो मैंने आपको बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन में आपके चार्ज पार्टिकल है और जितने भी पार्टिकल होंगे उन पे सेम चार्ज होगा। अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, दैट मीन्स सारे पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, दैट मीन्स उसमें सारे जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब बेटा बात करें हम, तो देखो आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज, मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में हमेशा लाइक चार्ज जो होते हैं, यानी कि एक जैसे चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और हमेशा अनलाइक चार्ज यानी कि अलग अलग चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लो आपका एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, आपके ऐसे दो चार्ज हैं, यहाँ मैं बताती हूँ, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों चार्ज कैसे हैं, डिफरेंट है, अनलाइक चार्ज है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ऐसे एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लाइक चार्ज की, यानी कि जब सेम चार्ज होंगे, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ये हमेशा ही एक दूसरे से दूर भागते हैं, कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करता और नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करता। हमेशा जो अट्रैक्शन होती है बेटा वो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में होती है और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में होती है। ठीक है, तो आपका अट्रैक्शन कब होगा आयंस का, जब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। अब आप देख सकते हो मैंने जब नेगेटिव चार्ज आपका कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, दैट मीन्स उसमें सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज है। तो क्योंकि पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्ज है तो ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागेंगे, उनमें रिपल्शन होगा, दूर भागेंगे तो वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होंगे, ये यहाँ पे इस साइड आएगा और ये वाला उस साइड जाएगा, तो ये क्या करेंगे, टकरा के वापस आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, ऐसे मोशन होती रहेगी। तो पार्टिकल्स के बीच में कंटिन्यूअसली मोशन होती रहती है, इसीलिए पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते, हमेशा सॉल्यूशन में ही आपका मोशन शो करते रहते हैं। तो बात करें अगर हम नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो उसमें क्या है आपका, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। अगर मैं इसी नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल
डालूं। मान लो इसमें मैंने क्या डाल दिया, आपको एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडर सॉल्यूशन डाल दिया जिसमें आपका क्या है, सारे आयंस पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये अगर सॉल्यूशन मैं इसमें डालूंगी तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि हमेशा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं और सेम चार्ज रिपेल होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करके बेटा आपका कैसा होगा, इस सॉल्यूशन में कैसा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें से डाला है तो उसके अराउंड क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा उसके अराउंड नेगेटिव चार्ज ऐसे आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या हुआ है, आपके जो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन डाला था उसके साथ अट्रैक्शन हो गई है किसकी, नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स की, ठीक है। और अट्रैक्ट करने के बाद वो क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, यानी कि हम उसे कहते हैं एग्रीगेट हो गए, वो एक साथ आ गए। अब एक साथ आ गए यानी कि क्या हो गए, एग्रीगेशन हो गई है उन पार्टिकल्स की, वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद आपका क्या हुआ है बेटा, अब जो पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे उनका वेट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और वेट ज्यादा होने के कारण जिसका भी वेट ज्यादा होता है वो नीचे क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो इसी एग्रीगेशन को, इन पार्टिकल्स का इकट्ठे होने को ही हम कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन या फिर एग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोगुलेशन आपका क्या है, जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में उसके अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स डाले तो आपके जो चार्ज हैं उनमें अट्रैक्शन होने लगेगी, उनमें क्या होगी, अट्रैक्शन होने लगेगी। अट्रैक्शन होने के कारण वो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होने के बाद वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोगुलेशन। तो क्या कोगुलेशन की अगर डेफिनेशन देखें तो बेटा क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन, कि जब आपके कोलाइडल पार्टिकल सेटल हो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोगुलेशन। अब नॉर्मली तो आपके कोलाइडल पार्टिकल सेटल होते नहीं क्योंकि वो तो स्टेबल होते हैं, चार्ज पार्टिकल है, हमेशा रिपल्शन होती रहती है तो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, सॉल्यूशन में ही रहते हैं पार्टिकल, नीचे सेटल नहीं होते, ऊपर फ्लोट नहीं करते, ठीक है। बट अगर आप किसी पॉजिटिव में उससे अपोजिट चार्ज डालोगे, उससे अपोजिट चार्ज का कोलाइडल सॉल्यूशन डालोगे, अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन है तो उसमें अगर नेगेटिव डालोगे, या फिर अगर नेगेटिव है तो उसमें अगर आप पॉजिटिव डालोगे तो वहां पे क्या होगा, अनलाइक चार्ज, अपोजिट जो चार्ज होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इकट्ठे जोड़े बना लेंगे और वो नीचे सेटल डाउन होंगे। इसी नीचे सेटल डाउन पार्टिकल, जब आपके कोलाइडल पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होते हैं उसी को हम कहते हैं कोगुलेशन। अब इसका रीजन क्या है, देखो रीजन क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल इज ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन पार्टिकल्स। कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है सारे ही पार्टिकल्स पे। पर्टिकुलर सब्सटेंस का अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन ले, यानी कि उसमें क्या है, सारे पार्टिकल्स पे सेम चार्ज, जैसे वहां पे देखो नेगेटिव दिखा रही हूँ, दूसरे वाले कोलाइडल सॉल्यूशन पे वहां पे पॉजिटिव है, तो सेम चार्ज होने के कारण क्या होता है, वो पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं सॉल्यूशन में, तो स्टेबिलिटी होती है उनमें, वो सेटल नहीं होते नीचे, ठीक है। अब अगर क्या करें, इफ दिस चार्ज इज रिमूव, अगर हम इस चार्ज को रिमूव कर देते हैं, जैसे ये पहले फैले हुए थे, अगर इनको हम रिमूव कर दे, इकट्ठा कर ले, कैसे रिमूव कर सकते हैं, जब हम उसके अपोजिट चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन उसमें डाल दे, या मैं कहूँ अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स डाल दे, तो आपका क्या होगा, वो चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, पूरे सॉल्यूशन में से रिमूव हो जाएगा और क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो क्या होगा, इफ दिस चार्ज इज रिमूव पार्टिकल विल कम क्लोजर, पार्टिकल साथ आ जाएंगे, ठीक है, एंड फॉर्म एग्रीगेट, क्या करेंगे, इकट्ठा जोड़ा बना लेंगे, जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट और कोगुलेट, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोगुलेशन। तो कोगुलेशन आपका क्या है, इट इज द सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। अब सेटलिंग क्यों होती है, जब हम पर्टिकुलर चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन में जब उससे अपोजिट चार्ज पार्टिकल डालते हैं तो अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल पास पास आ जाते हैं और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोगुलेशन। अब बेटा ये जो कोगुलेशन है, या मैं कहूँ प्रेसिपिटेशन है, उस प्रोसेस को गवर्न करता है आपका हार्डी-शुजल लॉ, ठीक है। हार्डी-शुजल लॉ आपका क्या कहता है, हार्डी नाम का कोई साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ दिया था, वो क्या कहता है, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, जब आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है, आयंस है, ठीक है, तो क्या होगा आपका, हैविंग चार्ज अपोजिट
सॉल्यूशन, आपने कोई सोल लिया है, कोई कोलाइडल सोल लिया है, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सोल भी कहते हैं। तो अगर आपने कोलाइडल सोल लिया है पर्टिकुलर चार्ज का, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, अगर मैं एग्जांपल दूं, हीमोग्लोबिन कैसा है, हीमोग्लोबिन नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो अगर उसमें हम क्या करें, अगर हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, कैसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें हीमोग्लोबिन सॉल्यूशन में, having charge opposite to that sole, कि हीमोग्लोबिन से अपोजिट चार्ज वाले कोगुलेशन को या कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर उसमें हीमोग्लोबिन में ऐड करें तो आपका क्या होगा, देन कोगुलेशन और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस। न्यूट्रलाइजेशन आपका क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, वहां पे क्या होता है, कोगुलेशन होता है पार्टिकल्स का, उसी को हम कहते हैं कोगुलेशन। तो ये आपका हार्डी शुजल ने लॉ दिया था क्या, कि जब भी आप कोई अपोज कोई भी किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में जब उससे अपोजिट चार्ज वाले कोलाइडल सॉल्यूशन को डालोगे तो वहां पे पार्टिकल्स क्या होंगे, इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज, और इकट्ठे होने के कारण आपका क्या होगा, वो पार्टिकल्स इकट्ठे होके नीचे सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, कोगुलेशन कहेंगे, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने क्या कहा था, कि जितना ज्यादा ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन या फिर इलेक्ट्रोलाइट, जितना ज्यादा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पे या आयन पे चार्ज होगा उतना ही ज्यादा कोगुलेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी पे प्लस थ्री चार्ज है और किसी पे किसी आयन पे प्लस थ्री चार्ज है एक आयन पे और दूसरे आयन पे प्लस वन चार्ज है, तो चार्ज ज्यादा किसके पास है, प्लस थ्री के पास, उसके पास तीन प्लस के चार्ज है, ठीक है। प्लस थ्री किसी भी आयन, मान लो ए आयन है उसके ऊपर प्लस थ्री है, दूसरा अगर बी आयन है उसके ऊपर प्लस वन है, तो किसके पास चार्ज ज्यादा है, प्लस थ्री का मतलब होता है ए आयन पे तीन बार ऐसे प्लस साइन है और बी आयन पे सिर्फ एक बार है, तो किसके पास चार्ज ज्यादा है, इसके पास। तो जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा आयन्स को अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा नेगेटिव आयन्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ज्यादा नेगेटिव आयन्स को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि वहां पे कोगुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कोगुलेटिंग पावर की, कोगुलेशन होने की जो पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। जिस आयन पे ज्यादा चार्ज होगा या मैं कहूँ जिस इलेक्ट्रोलाइट पे ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा कोगुलेशन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्लस फोर आयन जो है वो उसके पास ज्यादा कोगुलेशन पावर होगी एज कंपेयर टू प्लस वन, प्लस टू और प्लस थ्री। तो अगर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोगुलेशन पावर इन सब आयन में से कोगुलेशन पावर किसकी ज्यादा होगी फॉर नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन, ये सारे आयन आपके क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस थ्री, बेरियम प्लस टू और सोडियम प्लस वन, तो ये आपके सारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है। तो पॉजिटिव चार्ज आयन की कोगुलेशन पावर इन सारे पॉजिटिव चार्ज आयन में से किस आयन की कोगुलेशन पावर ज्यादा होगी, किसके लिए, फॉर नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन, ठीक है। तो किसकी ज्यादा होगी, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, चार्ज किसके ऊपर ज्यादा है, एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव के ज्यादा है, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है पॉजिटिव, तो ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, अपने पास लाएगा, फिर क्या होगा, एग्रीगेशन होगा और कोगुलेशन होगा, ठीक है। ऐसे ही इसका काम होगी, कोगुलेटिंग पावर इसकी उससे भी कम होगी, ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई आपकी कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन की। अगर हम देखते ये कोगुलेशन आपका डेली टू डेली कहाँ काम आता है या इसकी एप्लीकेशन कहाँ है तो वो देखो। तो बेटा नेक्स्ट अगर बात करें हम एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड की, आपने जो भी कोलाइड्स का कंसेप्ट पढ़ा है ये आपका कहाँ कहाँ यूज होता है या मैं कहूँ कि आप इनको कहाँ कहाँ देख सकते हो। तो बेटा पहला जो केस है, पहला एग्जांपल ले अगर हम डेल्टा फॉर्मेशन। अब आपका डेल्टा क्या होता है, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि आपका रिवर्स में डी शेप कलर के कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ऐसे डी शेप में कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं रिवर्स में, उन्हीं को हम कहते हैं आपके डेल्टा। अब ये डेल्टा फॉर्मेशन होती क्या है, इसको एक्सप्लेन करता है आपका कोगुलेशन, इसको एक्सप्लेन करता है आपका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कोगुलेशन का बताया था। बेटा आपका होता क्या है, आपके रिवर्स में क्या होते हैं, मड होते हैं, मड पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सारे पार्टिकल्स आपके नेगेटिवली
चार्ज होते हैं। अब आपको पता है कि आपके मड है या फिर जो सॉयल है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का कोलाइड है, या मैं कहूँ ये एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसके साथ कोगुलेट करते हैं, जब आप उसमें कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन ऐड करते हो तब। ठीक है, तो जब आपके मड पार्टिकल्स या सॉयल पार्टिकल्स, जब आपके सी वाटर में जो सॉल्ट है, सॉल्ट में जो सॉल्ट पार्टिकल्स में चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये जो आपके मड पार्टिकल्स है या सॉयल पार्टिकल्स है, जब इनके साथ सी का सॉल्ट पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है इनके साथ मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं, कोगुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, या मैं कहूँ एग्रीगेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये एग्रीगेशन होके क्या बनाते हैं, एक सॉलिड सा मास बनाते हैं जिसको हम कहते हैं आपका डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा आपका ये जो डी शेप होता है किसके कारण बनता है, डी शेप का डेल्टा जो होता है किसके कारण, किसके वजह से बनता है, ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सॉइल पार्टिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट पार्टिकल्स, व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म, या मैं कहूँ दे एग्रीगेट टू फॉर्म कोगुलेट्स। ठीक है, या फिर डेल्टा। ठीक है, तो अगर हम देखें डेल्टा फॉर्मेशन आपकी क्या होती है, मड पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज कोलाइड, मड पार्टिकल्स आपके कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड होते हैं, तो इनमें जब आप पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स डालोगे या इनके साथ जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कंबाइन होंगे तो ये क्या होंगे, इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, ये उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास जाना स्टार्ट कर जाएंगे, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं सो दे गेट coagulated by positive charge ions of the salt present in the sea। ये जो negative charge particle है किसके वजह से coagulate होंगे, positive charge सॉल्ट पार्टिकल्स के वजह से कोगुलेट होंगे, कोगुलेट होके ये कुछ मास बना देंगे, कुछ सॉलिड मास बनाएंगे, दे सेटल्स जो कि सेटल होंगे एज सॉलिड मास ओवर द ईयर्स, और बहुत साल तक ये सॉलिड मास की तरह ऐसे इकट्ठे होके सीज में पड़े रहते हैं, जिनको हम कहते हैं आपके डेल्टा। ठीक है बेटा, तो डेल्टा फॉर्मेशन जो होती है वो भी आपकी एक एप्लीकेशन है कोलाइड्स की। ठीक है, क्यों, कोलाइड्स में क्या होता है, कोगुलेशन होता है, कोगुलेशन आपका क्यों होता है आपको याद रखना है हमेशा, जब भी आपके कोई भी नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ मिक्स होगा, या फिर हम कह सकते हैं जब भी आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के साथ मिक्स होंगे, दे ऑलवेज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोगुलेशन या फिर कोगुलेट। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें सेकेंड एप्लीकेशन, तो देखो सेकेंड एप्लीकेशन आपकी क्या कहती है बेटा, देखो सेकेंड एप्लीकेशन क्या कहती है, ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग फेरिक क्लोराइड। आपने देखा होगा कि आपके स्किन से कभी आपको कट लग जाता है तो वहां से ब्लड निकलता है, तो उस पर आप कौन सी दवाई लगाते हो, आप फेरिक क्लोराइड लगाते हो, क्यों लगाते हो, वहां भी आपका कोगुलेशन का ही कंसेप्ट यूज हो रहा है बेटा। कैसे, ब्लड जो है, ब्लड में आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सारे कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन के पार्टिकल हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं वो किसके वजह से कोगुलेट होंगे, जब आप उस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आयंस लगाओगे, तो जब हम उसके ऊपर फेरिक क्लोराइड आपका क्या होता है, FeCl3, फेरिक क्लोराइड में बेटा आपके Fe3 पॉजिटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं, तो जब भी आप ब्लड के ऊपर FeCl3 लगाते हो, फेरिक क्लोराइड लगाते हो, तो फेरिक क्लोराइड के पॉजिटिव आयन हीमोग्लोबिन के नेगेटिव आयन के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और वहां पे आपका कोगुलेशन फॉर्म होता है। आपने देखा होगा ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है, सूख जाता है, और फिर और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे भी आपका क्या हुआ है, कोगुलेशन हुआ है, किस किस का, आपके हीमोग्लोबिन जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज
कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जब उनके ऊपर आप पॉजिटिवली चार्ज Fe3 पॉजिटिव लगाते हो, तब क्या होगा, आपका ब्लड जो है कॉगुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और वहां पे सूख जाता है, गाढ़ा हो जाता है आपका ब्लड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट कैन बी स्टॉप, आप ब्लीडिंग जो है किसी भी आपके बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है कट के वजह से, तो उसको आप स्टॉप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फेरिक क्लोराइड। क्यों? क्योंकि ब्लड इज अ नेगेटिवली चार्ज कोलाइड, ब्लड जो है ब्लड में नेगेटिवली चार्ज कोलाइड होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन हम बोलते हैं, ठीक है। सो इट कैन कॉगुलेट, और वो कॉगुलेट किससे हो सकते हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज, तो हम क्या लगा रहे हैं, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड में आपके Fe3 पॉजिटिव आयन होते हैं जो कि ब्लड के साथ कंबाइन होके, ब्लड के नेगेटिव आयन्स के साथ कंबाइन होके वहां एक कॉगुलेट फॉर्म करते हैं, ठीक है, और वहां पे ब्लीडिंग जो है आपकी स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि आप जितनी भी, आप ज्यादातर जो मेडिसिन लेते हो वो कोलाइडल फॉर्म में लेते हो, कैसे, जो आप सिरप लेते हो या फिर आप जो कोई टॉनिक पीते हो वो आपकी कोलाइडल फॉर्म में होती है। क्यों कोलाइडल फॉर्म में होती है? क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो आपकी बॉडी के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्यों? कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आपके स्टेबल सॉल्यूशन होता है जिसमें आयंस कंटिन्यूअसली मूव करते रहते, कहीं पे भी सेटल डाउन नहीं होते जब तक आप उनमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, उनसे अपोजिट चार्ज ऐड ना करो। तो आप जब भी मेडिसिन ले, ज्यादातर मेडिसिन जो होती है आपकी कोलाइडल फॉर्म में होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में होती है, क्योंकि वो इजिली आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, आपकी बॉडी या आपकी इंटेस्टाइन इजिली उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मेडिसिन इन कोलाइडल फॉर्म आर इजिली एब्जॉर्ब बाय ब्लड, और ब्लड से कहाँ एब्जॉर्ब की जाती है, आपकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब की जाती है। जैसे आप जितनी भी एंटीबायोटिक्स लेते हो, सिरप्स लेते हो, टोनिक्स लेते हो, आर इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल, जिसको हम कहते हैं कोलाइडल डिस्पर्शन या इमल्शन। मैंने आपको बताया था ना इमल्शन क्या होता है, तो वो भी आपका क्या है, यहाँ पे आपका कोलाइडल का ही एप्लीकेशन है कि यहाँ पे आपके कोलाइडल ही यूज हो रहा है। तो बेटा फोर्थ एप्लीकेशन की अगर बात करें हम कि आपको जो स्काई है वो ब्लू दिखता है, क्यों ब्लू दिखता है, ऐसा नहीं है कि स्काई का कलर ही ब्लू होता है, उसका भी एक रीजन है, वो आपको क्यों ब्लू दिखता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके स्काई में क्या होती है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर जब आपकी सन रेज पड़ती है, जब आपके मान लो स्काई में ऐसे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर जब आपकी सन की रेज पड़ती है, तो आपको पता है सन रेज में 7 कलर्स होते हैं, जैसे कि आप रेनबो में देखते हो, रेनबो में आपके 7 कलर्स होते हैं, ऐसे ही आपके सन रेज में भी 7 कलर्स होते हैं। ये जो डस्ट पार्टिकल है जब इनके ऊपर सन रेज पड़ती है, तो ये सन रेज क्या करती है, सन रेज में से जो ब्लू कलर है, 7 कलर्स होते हैं सन रेज में, उन 7 कलर्स में से ब्लू कलर को ये डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, आपकी आईज की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो ब्लू कलर, क्योंकि डस्ट पार्टिकल ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए आपको स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखने लग जाता है। अगर डस्ट पार्टिकल आपके कभी रेड कलर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपको स्काई जो है रेड दिखने लगेगा, कभी येलो रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको स्काई जो है येलोइश दिखने लगेगा, ठीक है। तो वो क्यों होता है, रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। क्यों ब्लू नजर आता है, क्योंकि स्काई में होते हैं फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट इन एटमॉस्फेयर, वो क्या करते हैं, स्कैटर्स द सनलाइट, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर स्कैटर करते हैं विद अ ब्लू कलर, सनलाइट के ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं या फिर सनलाइट के ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं व्हेन लाइट फॉल ऑन डस्ट पार्टिकल। तो आपको पता है डस्ट पार्टिकल भी क्या है, कोलाइड का ही एग्जाम्पल है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, यानी कि उनमें चार्ज है, इसलिए वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो स्काई की, वो सन रेज जब उनके ऊपर पड़ती है, तो वो सन रे के ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए आपको स्काई ब्लू दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि फॉग है, मिस्ट है या रेन फॉर्मेशन जो है, वो भी आपकी कोलाइडल की ही एप्लीकेशन होती है, वो भी कोलाइडल का ही उनमें भी कांसेप्ट लगता है। तो आई होप आज का कांसेप्ट आपको समझ में आया होगा। That's all for today. Thank you.